ये पुलिस भी जाति भेदभाव करती है, प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है, अधिकारी भी करते हैं, सारे करते हैं। हाँ जी, कुछ भाई मुसलमानों का 3 तलाक ला पढ़ा उसने, वह झूठे बना दिया। लेकिन आप ये बताएं, लेकिन तीन तीन शब्द बोलने पर तलाक 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 बोलने पर तलाक हो जाए, क्या सही है? हाँ, ये सही है। हाँ, तीन तलाक को तलाक दे दो हो जाएगी तलाक, क्या सही है किसी बहन बेटी के लिए? हाँ। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हूँ। आज गाजियाबाद के लोगों से जानेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी या फिर उनका कोई ऑप्शन आएगा। तो आइए हम जनता के बीच में हैं, जानते हैं जनता से कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सरकार के काम काज से खुश है? नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? नू नहीं खुश हैं। बताओ, मोदी की सरकार में क्या अच्छा हुआ, क्या योगी सरकार में क्या अच्छा हुआ? क्यों महिलाओं के लिए गैस चूल्हा दिया आपके लिए? क्या दिया गैस चूल्हा? गैस चूल्हा दिया, कौन सा गैस दिया? नहीं, कोई कौन सा गैस चूल्हा दिया? गैस चूल्हे का गैस करवा दिया 900 रुपए किलो, 900 रुपए का है गैस सिलेंडर। और जी और क्या दिया, बताओ योगी सरकार ने? फ्री की चीज तो ऐसे ही होती, सब चीज मोदी की सरकार में क्या नहीं बिका? तो फ्री में दिया, सिलेंडर दिया। हां जी, तुम्हारे गैस दे दिया? नहीं दिया, कुछ नहीं। बड़े बड़े लगाए हैं सारे पेट्रोल, झूठे झूठे सब झूठे सब। मोदी की सरकार से कुछ भी नहीं लगाते, पहले सब कुछ लगाते आए थे, सब कुछ लगाते आए। जितने दिन मोदी की और योगी की सरकार आई, मुसलमान की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं रही। दे देना चाहिए योगी को। तीन तलाक लाए आप, आपके लिए 3 तलाक लाए हैं, ये अच्छा नहीं है? मोदी के घर में से आई 3 तलाक, मोदी के है बीबी? नहीं, मोदी के बच्चे करवाया तो आपके लिए, झूठे करवा दिया। क्यों झूठे करवा? इसमें क्या झूठ है? ये झूठा सारी झूठ। 3 तलाक में क्या झूठ है? उन्हें पढ़ा मोदी ने, उसमें उसकी रवान में पढ़ा, जब तलाक नहीं देंगे ये तो सही नहीं है, तलाक दे तलाक तलाक। तो ये तो अच्छा काम किया है? नहीं किया तो नहीं अच्छा करा। अच्छा, ये 3 तलाक भी अच्छा काम नहीं है? कुछ अच्छा नहीं करके, बीवी नहीं है वो, बीवी को के बाद कहां से करेंगे? खुद ही बीवी नहीं है, जब उसका पहली बात तो उनका बीबी नहीं, बेटियों को तलाक दिया यार। सुना, पहली बात तो उसके बीबी नहीं, बच्चे नहीं, बहन नहीं, भैया नहीं, उसका दर्द किसका आएगा? किसका? उनकी माँ भी है, उनकी बहन भी है, उनके भाई भी है, किसी की नहीं है। जब उसका कुछ भी ना तो उसका कोई दर्द नहीं है। काहे का दर्द हुआ उसका बताओ, काहे का दर्द हुआ उनका बताओ। तो भी आने वाले 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करेंगे, किसको लाना चाहेंगे? हम वोट करेंगे जो कोई हमारी सहायता करेगा। कौन करेगा आपकी? कौन सा? जो कोई, जो देखेंगे, जब कोई लड़ेगा, जब करेगा, जब देखेंगे। आम आदमी पार्टी आ रही है, सपा आ रही है, बसपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कौन है? हम बसपा को तो हम बिल्कुल वोट देंगे। मायावती से क्यों नाराज है? ना, मायावती तो दल बदलू है, उधर चाय पे बिक जाए मायावती, तो मायावती बदल के मायावती। अच्छा, मतलब मोदी जी चाय बेच रहे, तो इसीलिए मोदी जी ने चाय पिला के मायावती को बदल दिया? हाँ, चाय बेचा, चाय पिला के बदल दिया मोदी जी को। कौन सी सरकार है उसकी? मायावती की। कहाँ सच्ची सरकार है बताइए? मायावती ने ही इतना डेवलपमेंट किया, ग्रेटर नोएडा में लोगों को करोड़पति बना दिया, अपने हाथी बना के, मायावती ने अपना हाथी बना के वो कर दिया मायावती ने। तो हाथी से क्या दिक्कत है? हाथी से कुछ भी दिक्कत ना, जब दल बदलूंगे क्योंकि बदल जाएंगे, बदल जी दिक्कत है। एक एक चीज पर हो, इलेक्शन ठीक है। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, केजरीवाल आएगा, वोट केजरीवाल को देंगे। अच्छा, केजरीवाल को? हाँ, मुँह देंगे। हाँ, पानी फ्री में। हाँ, दाना फ्री में, नाज फ्री में, बिजली फ्री में, केजरीवाल हमारे यूपी में केजरीवाल आएगा, वोट केजरीवाल को देंगे। तो मतलब काम नहीं करना चाहते, केवल आप फ्री में चाहते हैं कि फ्री फ्री सारा कुछ। फ्री फ्री कौन दे रहा? फ्री फ्री कोई ना देता जी, फ्री ना देता कोई। सारी पब्लिक चाह रही है कि मोदी और योगी चले जाए जी। अभी चुनाव हुआ है, योगी ने क्या, मोदी ने क्या ऐसा जादू कर दिया जो फुल बहुमत से जीता है? पिछली सीटों से ज्यादा सीटें बढ़ के आई है। कौन सी मोदी की, कौन सी वोट गिरती है? डिब्बे बंद कर, डिब्बे बंद कर है, सरकार उसकी, पुलिस उसकी, आदमी उसका, तो सरकार के डिब्बे भर का चोरी से ला के आदमी पर डंडे बजा दो और अपनी वोट गिन लो। क्या करते हैं आप? ये दुकान है। दुकान है। अच्छा, दुकान है। 2022 में आने वाले चुनाव में आप किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश को। क्यों? बस बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। योगी के कामों से खुश नहीं है? बस खुशी होती तो अब देख लो, अब आगे हमारे यहाँ खुशी देख लो कितनी बड़ी है। अच्छा, हाँ, तो खुश नहीं है? नहीं। क्यों, किस मुद्दे पे खुश नहीं है आप? महंगाई के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे? बहुत ज्यादा महंगाई। अच्छा, महंगाई के मुद्दे? महंगाई बहुत ज्यादा, बीमारी तो है ही है, लेकिन बीमारी को छोड़िए, बीमारी एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी महंगाई की बहुत बड़ी मार है यहाँ। अच्छा, हर दुकानदार, हर नौकरी पेशे वाला मजदूर आदमी परेशान है, समझे? बस ये चीज। महंगाई के मुद्दे पे आप योगी सरकार को वोट नहीं देना चाहते? नहीं।
क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, आपकी 2022 में किसको चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस आएगी। अच्छा कांग्रेस आएगी, हाँ। क्यों? वो अच्छा काम करवाती भी है, काम भी सही करती है। अच्छा अभी उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, फिर आप कैसे कांग्रेस को सपोर्ट? प्रियंका हैगी। अच्छा प्रियंका को ला रहे हैं आप एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। योगी से क्यों नाराज हैं? काम की सारी ऐसी कर रखी है, गरीब आदमी कहाँ जाकर फांसी खा कर मरे ये बताओ तुम मुझे, गरीब आदमी कहाँ जाकर बताओ। क्या उनके मतलब क्या कौन से काम से आप दुखी हैं? ये पब्लिक जो बाहर आई हुई है किराए पर रह रही है, वो ये तो बता दो उनका कोई काम मिला ना, वो कहाँ से क्या करे? अच्छा। उन्हें घर जाने के लिए साधन ना मिला बिल्कुल भी, वो पैदल गए है, पब्लिक पैदल गई है, क्या करना उसका बताओ? भूखा आदमी मर रहे है बहुत, मतलब महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई के कोरोना काल में आप लोगों को राशन पानी उत्तर प्रदेश में मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों का कहना, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना कि यहाँ सब कुछ मिला है। उन्होंने किसी ने कुछ ना किया, गाँव वालों ने अपने पास से करके दिया। हम किसान हैं, 2 बीघा खेती हमारे भी है और एक बीबी और 3 खास आदमी है। तू क्या है? अरे तू तो मोदी का आदमी है और क्या है तू? क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने कर दिया, योगी ने कर दिया। क्या मेडिकल स्टोर सारे हिंदुओं के हैं? नहीं नहीं मैं ये नहीं कहता। नहीं, क्या सारे हिंदुओं के हैं? ना बिल्कुल भी नहीं। क्या सब्जी वाले राशन वाले सब हिंदुओं के हैं? बिल्कुल भी, सारी कम्युनिटी के हैं। तो एक सुविधा गवर्नमेंट ने दी है कि राशन और दवाइयां आपको पब्लिक में मिलना चाहिए कोरोना काल में, तो इस चीज को मुद्दा क्यों बनाया? अरे बात तो कुछ करने दिया करो, तुम चिल्लाते क्यों? चलो चलो, गवर्नमेंट ने 2 सुविधाएं दी कि दवाई और खाना पब्लिक को मिले कोरोना काल में, जिससे कि आदमी जिंदा रहे। इसमें हिंदू मुसलमान को गिनो ही मत। राशन कार्ड बना जब कहता है तो वो अंगूठा, तुम्हारा अंगूठा ही नहीं आ रहा जी इसमें। अच्छा। हमने तो भैया गए ही ना फिर लेने, दोबारा तिबारा फिर कई बार जाके थक गए, हम नहीं गए कभी लेने। अच्छा अब रही इसकी बात, ये गुप्ता जी का दिख रहा लाइन वो पड़ रही है, पुलिया बननी है, ये 15 दिन से बन रही है। अच्छा। हमने कल बना दी है अपने घर के आगे। अच्छा। तो कल ही बिल्डोजर लेके आ गए, क्यों बनाइए भाई? अच्छा भाई मैंने कहा वो बीजेपी वालों की है, ये मुसलमानों की है, इसलिए बिल्डोजर लेके आए हो ये तोड़ने को। अच्छा। फिर पार्षद को फोन मिला रहे, चलो पार्षद ने मना कर दी भाई इनके क्यों नुकसान करो। तो इस तरीके से सही नहीं है कि भाई ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, हिंदू मुसलमान जातिवाद का मामला जो यहाँ पे चल रहा है वो अच्छा नहीं है। ये मतलब जाति के आधार पे जो मतलब भेदभाव हो रहा है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये है कि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, और ये बिल्कुल गलत है। जाति के आधार जी, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, मानते हैं भेदभाव है तो योगी सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस भी जाति भेदभाव करती है, प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है, अधिकारी भी करते हैं, सारे करते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा है ये भारतीय जनता पार्टी से अपना ताल्लुक रखते हैं, इनका भी आरोप है कि यहाँ पे शासन और प्रशासन जाति के आधार पे लोगों के बीच में भेदभाव करती है। नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए जी। नैतिकता के आधार पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जैसे अभी ब्लॉक प्रमुख और जो जनपद के जो अभी चुनाव हुए हैं वो धांधली में हुए हैं, उस तरह से चुनाव नहीं होने चाहिए और चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराने चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी और जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।